हेलो कार्तिक सर, वेलकम। आज काफ़ी टाइम के बाद फिर से आप आए मेरे पास, तो मैं आपको आज अपने कैनल का वीडियो करा रहा हूँ, जो कि फर्स्ट वीडियो है। आज तक मेरे कैनल का कभी कोई वीडियोज़ नहीं हुआ है जिसमें मैंने अपने कैनल दिखाए हैं। डॉग्स हमेशा सबने देखे हैं, सबकी क्वेरी रहती है कि सर आप अपना जो है कैनल दिखाओ। तो ये मैंने अपने आप ही नया एक कैनल रेडी किया है, यहाँ पर तैयार किया है सोनीपत में। तो मैं आज आपको ये कैनल दिखा देता हूँ, जो कि एक वर्किंग डॉग क्लब के नाम से मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया है, और गुड़गांव से, और यहाँ पे भी वो सेम डॉग उसी तरह के रहेंगे, मगर आपको आज मैं आपका कैनल दिखा देता हूँ डॉग क्लब के नाम से, वो ये है। और सोनू भाई हमारे जो यहाँ पे सब कुछ देखते हैं, क्योंकि मेरा तो इधर आना कम ही रहता है, सोनीपत कम होता हूँ थोड़ा, तो इसलिए सारा ये यहाँ का ये ही मैनेज करते हैं। तो आप स्टार्टिंग में ही हम जैसे देखेंगे, ये हमारा ऑफिस है इधर, मैं आपको अपना ऑफिस दिखा देता हूँ। आप आइए प्लीज़, ऑफिस दिखाता हूँ आपको, जहाँ पे कोई गेस्ट आते हैं या कोई आते हैं तो उनके बैठने के लिए ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे किया हुआ। तो ये अपना ऑफिस बनाया है हमने, एक छोटा सा ऑफिस है, और अगर कोई गेस्ट आते हैं तो उनके लिए यहाँ पे स्टे करने के लिए भी हमने थोड़ा सा एक अरेंजमेंट किया है, कि कई बार कोई दूर से गेस्ट आ जाते हैं, जी हमने आपका कैनल देखना है या कुछ करना है, तो वो और रुकना वो जो चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वो काफ़ी दूर से आते हैं, उनको रेस्ट करने की थोड़ी नीड होती है, तो यहाँ पर वो रेस्ट भी कर सकते हैं। ओ इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पे थोड़ी सी हमने घास लगाई है थोड़ा बैठने का, कई बार क्योंकि हम तो नेचर लवर हैं और बिल्कुल फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा सा घास पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं, थोड़े खुद को भी अच्छे लगते हैं, और इसकी खूबसूरती अलग होती है। हम गुड़गांव का देखेंगे तो वहाँ पर थोड़ी सी मेरे पास जगह की थोड़ी कमी थी, और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि यहाँ पे सारी चीज़ें बड़ी अच्छे से की जाए, कम जगह में भी अच्छे से किया जाए। तो अभी आपको मैं ये दिखाता हूँ, ये जैसे हमारा अपना गेस्ट आते हैं तो उनके लिए हमने ये किचन यहाँ पे रेडी किया। अभी पूरा 100% ये फंक्शन में नहीं है चीज़ें, बट हाँ ये हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आप ये किचन उनके लिए देख सकते हैं, जैसे गेस्ट आपको आते हैं, जैसे आप लोग आए हैं। और ये हमारा स्टाफ का किचन है, ये हमारा यहाँ पे स्टाफ का पूरा खाने का और ये सारी चीज़ें, लड़के यहाँ पे जो स्टाफ देखता है इनके अपने खुद के खाने के लिए। और ये हमारा छोटा सा एक अब हमने रूम बनाया, स्टाफ रूम, इसमें जो स्टाफ रहते हैं उनको, जैसे ये लोग सर पूरे दिन काम करते हैं बेचारे, तो इनको रात को बड़ा अच्छा होता है कि इनको अच्छे से नींद आए और ये बड़ा रिलैक्स के साथ यहाँ पर सोएँ, तो इनके लिए सारी फैसिलिटी हमने यहाँ पर रखी है, इन्वर्टर वगैरह इनको, कि लाइट की अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये आराम से यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं काम करने के बाद। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कैनल में, जो हमने कैनल बनाया है। आइए सर, ये हमने यहाँ पे कैनल बनाया है। अभी सारे डॉग शिफ्ट नहीं हुए हैं, कुछ डॉग मेरे यहाँ पे आए हैं अभी, तो धीरे धीरे जैसे अभी ये पूरा फंक्शनिंग हो जाएगा पूरा, तो उस टाइम जैसे ये सब पार्ट अभी रह रहा है पूरा का बनने से रह रहा है। तो कार्तिक भाई आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जैसे गुड़गांव में थोड़ा सा कम स्पेस होने की वजह से थोड़ा डॉगों को इतना नहीं मिल पाती थी इन सारी जगह इनको घूमने के खेलने के लिए। तो अभी आप देखोगे मैंने जो कैनल यहाँ पे बनाए हैं तो कैनल में काफ़ी स्पेस रखा है। अभी तो जैसे ये बीच में एक दूसरे के साथ रह लेते हैं तो साथ में रह सकते हैं, तो यहाँ से ले कर इस कॉर्नर से वहाँ तक हमने कैनल बनाए हैं सारे। और वेंटिलेशन का भी पूरा ध्यान रखा गया है इसमें, जो हमारा कि कुत्तों को कोई सफोकेशन या इस तरह की कोई चीज़ें ना हो, वेंटिलेशन पूरा रहे और ये आराम से बिल्कुल रह सकें, किसी भी तरह की इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आप यहाँ से देखोगे हमने क्या किया है, जो कैनल है उधर कैनल बनाए और सामने हमने इनके पानी वगैरह के लिए पूरा एक वो दे दिया, जहाँ से अगर कोई यूरिन है या धुलाई करते तो आराम से वो सफाई हो जाती है। और कच्चे के लिए भी हमने थोड़ा सा ध्यान रखा है, कई मैंने देखा है कई लोग कहते हैं जी कच्चे में मत रखो डॉग को, टिक्स या इन चीज़ों की प्रॉब्लम होती है, वो मैं समझता हूँ होता है, मगर सर कच्चा भी इनको ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और पीछे की साइड में आप देखोगे टाइल्स हमने पूरी लगाई है कि टिक्स वगैरह ना हो, क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम होती है वो टिक्स से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। अगर हम कोई भी देखें डॉग्स नहीं किसी भी चीज़ में, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और कच्चे में अगर कोई टिक्स वगैरह कुछ होते हैं तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये मुर्गे भी हमने थोड़े बहुत रखे हुए, ये हमारा अपना भी शौक था कि थोड़े चलो घूमते रहते हैं यहाँ पे अच्छा लगता है, तो ये हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। यहाँ पे क्लीन कर देते हैं किसी भी तरह का कोई अगर टिक्स है या कुछ भी कोई कीड़ा या कुछ होता है तो ये उसको क्लीन कर देते हैं।
अभी ये हमने पेड़ पौधे भी लगाए हैं, थोड़े से अभी छोटे हैं क्योंकि अभी टाइम लगेगा इनको तो बड़ा होने में। तो छाया का भी पूरा ध्यान रखा गया है इसमें, अगर आप देखोगे तो छाया का हमने पूरा ध्यान रखा है कि साफ रहे, छाया थोड़ी छांव रहे और ठंडा भी रहे, पेड़ों से नेचर से ठंडा रहता ही है अगर पेड़ यहाँ पे रहते हैं। और ये दो रूम हमने जो बनाए हैं ये वेल्पिंग रूम बनाए हैं कि अगर हमारे फीमेल्स वगैरह पप्स देते हैं, पप्स होते हैं तो इसमें पप्स रहे। तो जैसे मैं आपको ये रूम दिखा देता हूँ, यहाँ पे अभी मेरे ये डच शेफर्ड ने पपी दिए हुए हैं, डच शेफर्ड की फीमेल है, इसके पपी हो रखे हैं, तो ये आराम से यहाँ पे रह सकते हैं, ये ठंडा रहता है। कूलर इधर लगा हुआ है, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो एसी है यहाँ पे, तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इनको नहीं रहती और बहुत आराम से रहते हैं यहाँ पे। तो और सेम यही जो साथ वाला रूम है वो भी सेम इसी तरह का है, उसमें भी आप देखोगे इसी तरह का। और ये जो ऊपर जो आप देख रहे हो ये हमने जो पत्थर वाली टीन आती है मैंने वो लगाया है, कोशिश है क्योंकि वैसी टीन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। पत्थर की टीन में क्या है, ऊपर हमने इसमें कुछ जो पूस वगैरह होता है वो हमने डाला हुआ है, जिससे थोड़ा सा ये नॉर्मल भी रहता है। या अभी तो ये चलो निकल गई है गर्मी, नेक्स्ट टाइम जब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा फार्म तो तब आप देखोगे इसमें पूस वगैरह जितनी भी टीन है हम सब में इसमें लगाएंगे और ये इसका टेम्परेचर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और ये रूम सेम वही जो रूम आपने उधर दिखाया ये भी उसी तरह का, बट इसमें थोड़े केस ज़्यादा हैं कि अगर बहुत ज़्यादा प्रेग्नेंट फीमेलें हैं हमारे पास या कुछ हैं तो वो यहाँ पे एसी में, एसी रूम्स में आराम से यहाँ पे रेस्ट करें। इसमें हमने स्पेस थोड़ा कम दिया है, इसमें स्पेस कम देने का रीज़न क्या है कि जो डॉग्स हैं हमारे वो इसमें केवल रेस्ट करने के लिए जाएंगे। और ये एरिया हम क्या है, हमने किस लिए रहा, जैसे हमने यहाँ पे ना कूलर लगा दिया है, हमने यहाँ पे कूलर लगा दिया, तो ये बड़ा कूलर है आप देखोगे तो ये पूरे को कवर कर लेता है, वहाँ तक जितना हमारा डॉग्स है उनको कवर कर लेता है। और सेम इतना ही बड़े साइज का कूलर हमने उस साइड में भी अपना रखा हुआ है, वहाँ पे भी रखा हुआ है। और इसमें सबके ऊपर फैन भी हमने लगाए हुए हैं, सारे जितने कैनल्स हैं आप देखोगे सबके ऊपर हमने फैन लगाया हुआ है, तो ज़्यादा गर्मी होती है। हम चिक को, जो चिक है यहाँ पे हमने चिक फ्रंट पे ये लगाई हुई है, आप इनको दिखा सकते हो, इनको डाउन कर देते हैं और उसके बाद इसको डाउन करने के बाद इसका टेम्परेचर आप देखोगे ऑटोमेटिकली थोड़ा कम हो जाता है। और फिर इधर से कूलर और ये सारी चीज़ें दोनों साइड से कूलर चल जाते हैं बहुत साइड से, तो नॉर्मली इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ही कम हो जाता है, इतना बहुत इनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फिर होती नहीं है गर्मी की। ये जो बाहर आप अभी इधर जो केस देख रहे हैं ये मैंने बनाया रन एक्सरसाइज के लिए थोड़ा इनको, क्योंकि हमारे पास मेरे पास तो वर्किंग डॉग ही होते हैं सारे, जैसे मेलनवा हो गए या डच शेफर्ड, इस टाइप की जितनी भी वर्किंग ब्रीड है वो मैं सारी रखता हूँ, तो ये मैंने उनके लिए बनाया क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा नहीं लेके जा सकते क्योंकि इन्फेक्शन है, वो डॉग्स होते हैं जो स्ट्रे डॉग्स हैं कोई इनको परेशान करे तो वो अपनी एक्सरसाइज यहाँ आराम से कर सकते हैं। और काफ़ी बड़ा स्पेस है आप देख सकते हो, तो इस स्पेस में इनको यहाँ पर छोड़ दिया जाता है और ये आराम से इंजॉय करते हैं यहाँ पर और एक्सरसाइज अपनी करते हैं, खेलते हैं सारे, जिसकी जिस डॉग की जिसके साथ बनती है वो उसके साथ खेल लेता है। और ये अब इधर आ जाते हैं हम, ये जो कॉर्नर वाला है ये हमारा स्टोर रूम है, तो मैं आपको इसको दिखाऊं जिसमें भी जितना डॉग्स का खाने का और ये सारी चीज़ें हैं वो हम इधर स्टोर करके रखते हैं, जो इनके फीड्स हैं, दवाइयाँ हैं, जो भी खाने की चीज़ें वो सारी इधर स्टोर रहती हैं इनके लिए, तो इनको जो भी चीज़ें हैं वो सारी इधर पहले से, क्योंकि इंस्टेंट तो लेके नहीं आते मार्केट से तो पहले से खरीद के रखनी पड़ती हैं, तो ये सारी हमारी इस स्टोर में हम स्टोर कर देते हैं यहाँ पे। ये हमने जो कैनल बनाया है आज, ये है आज फर्स्ट टाइम ये स्कूबर ने हमारा कैनल जो है दिखाया। और मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपको मेरा कैनल अच्छा लगा तो उसे लाइक करें और मुझे कमेंट्स करें, किसी भी तरह की अगर कोई सजेशन या कुछ है तो वो मुझे उस पर कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू।